दिखा तो दे केक कैसा है। आप लाइ उसके लिए? आप क्या लाई हो? हेलो एमजी फैमिली, होप दैट यू डूइंग वेल। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि रात को 12 बजे ओंकार रंधावा जी का बर्थडे, और हम क्या क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपको पता चलेगा पुराने वाला व्लॉग देखने के बाद। और अभी हम आए ओंकार का बर्थडे केक पिक करने, और मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने जो कस्टमाइज करवाया केक वो कैसा दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने फोटो जो भेजी थी उसमें थोड़े से बच्चों वाली फील आ रही है। और ओंकार ने देख के बोला, है ये मेरे लिए? ये तूने जैन अब्बास के लिए केक मंगवाया है? 10 साल का नहीं हो रहा हूँ, 30 साल का हो रहा हूँ। तो ये रहा केक ऐश, ये 10 साल के बच्चे का भी केक और 30 साल के बच्चे का केक सेम है। हाँ, पार्शियलिटी नहीं करते बिल्कुल भी। क्यूट लग रहा है ना। तो ओंकार का ये बच्चों वाला केक तैयार हो चुका है। ऐश, इतनी मेरी गारंटी है कि ओंकार खुश हो ना हो, जैन और बाज इतने खुश होने वाले ना केक देख के। सो दिक्कत वाली बात अब ये हो चुकी है कि अभी हमने गगनदीप को भी पिक करना है, और बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं। मतलब अभी हम जाने, एक्चुअली हम स्टूडियो जाने का प्लान बना रहे हैं, और आदित्य और ओंकार जो स्टूडियो में ही है, और इतने सारे गिफ्ट के साथ और केक के साथ मुझे लग रहा है थार थोड़ी आज हमारे लिए थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं होने वाली है। तो हमें लग रहा है कि हमें घर जाके एक बार गाड़ी भी चेंज करनी पड़ेगी। ओंकार की सारी तैयारी डन हो चुकी है। परफेक्ट, चले डन हो चुकी है। अच्छा, ओ तो सारा का सारा सामान हमने थार से शिफ्ट कर लिया हुआ है अपनी गाड़ी में, तो फटाफट चलते हैं। तो फाइनली रह के हम निकल चुके हैं, बट छोटी सी दिक्कत ये है कि 11:30 हो रखे है ना। हाँ, 11 बज गई थी, 11 से ऊपर हो चुके हैं। और मुझे ये डर है कि ओंकार की बर्थडे की तैयारी के चक्कर में पता चले हम टाइम पे उसको सेलिब्रेट प्रॉपरली विश ना कर पाए। 12 बजे एंटर करेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सुना दो, हैप्पी बर्थडे टू यू मामू। हेलो, बहुत जल्दी आ गए हम, आधे घंटे पहले आए हो तुम 12 बजे। बहुत ज्यादा जल्दी आ चुके हो। हैप्पी बर्थडे बॉय, कितना टाइम हो गया? घंटा भी नहीं बचा। पच्चीस मिनट बचे, तुम्हारा केक लेके आई हूँ। धन भाग हमारे केक ले आए। हम सच्ची, हम स्टूडियो आए, सफाई करी, पूरा स्टूडियो पूरी बेडशीट चेंज कर दी हमने, बर्थडे वाले बॉय ने पूरा ड्राइंग रूम सेट कर दिया, पूरा डाइनिंग टेबल सेट कर दिया कि डिनर वहाँ बैठ के खाएंगे। ओह माय गॉड, देख रहे आपका भाई कितना समझदार हो गया। तो ये होस्ट है भाई, मेरी बहन से शादी करके सांप को पाल रहा था। तो 12 बजने में अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी है, तो हम सोचे कि ओंकार के लिए केक निकाल लेते हैं। अब सच्ची बताओ, बिल्कुल आइडिया नहीं कि ओंकार को कितना शक है नहीं है। हाँ, उसको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, कुछ मिलेगा। मुझे तो हंसी आ रही कि जो ओंकार के लिए आज मैं गिफ्ट देने वाली हूँ बहुत ही स्टूपिड होने वाला है। तो लेट्स सी देखने के लिए कि क्या चीज है। आवाज ऐसा लग रही है कि कुछ चिप्स है। आजो 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 केक गर्ल, इधर रख दो। ए ज़ैन, आज क्या है? मामूज बर्थडे। तो मामू को कैसे बर्थडे विश करोगे? हैप्पी बर्थडे। ओंकार भाई, गेस करो कि तुम्हारा केक कैसा होगा? हाथी जैसा। अरे नहीं यार, तुम तो बिल्कुल ही हाथी जैसे। देखो, एक्सट्रीम सोच लो ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। घर तो रेडी है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखो बर्थडे विशेष मुझे आ रही है बहुत ज्यादा, आप भी बर्थडे गिफ्ट दो मुझे, और वो बर्थडे गिफ्ट होएगा अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे बर्थडे का। क्या बात है, क्या बात है लड़के। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा गिफ्ट है ये भी, है बहुत अच्छा गिफ्ट है, यही बेस्ट गिफ्ट है जो आप दे सकते हो। चले काटे केक। हाँ, आ जाओ, रेडी है केक? नहीं रेडी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा 10-20 सेकंड वेट कर लो। सैड सो क्यों? मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बर्थडे के दिन मुझे केक भी काटना। तो तुम्हारा स्पेशल केक है, टाइम लगता है रेडी होने में। खुशी वाला सॉन्ग सुनो, बर्थडे सॉन्ग सुनो। तो ये सिर्फ 10 सेकंड रह चुके हैं मेरे बर्थडे पे, और देखते हैं सबसे पहले विश कौन करेगा। 1 2 हैप्पी बर्थडे, 3 4 विश कोई भी नहीं कर रहा है। 12 बज गए। Happy birthday!
मुझे खुद को नहीं पता चला सबसे पहले किसने विश किया, तो थैंक यू गाइस सो मच। देखो कमेंट सारे सब्सक्राइबर बताएंगे किसने विश किया है। वो फोन आने लग गए, तुमने लेट किया, मुझे तो फोन आ रहा है किसका है वो देखते हैं। ओ भाई साहब पापा का, पापा ने अलार्म लगाया हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ जी पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसको खुशी बर्थडे की या केक खाने की है? ये मुझे लगता है सिर्फ ट्यून ही आती है। हैप्पी बर्थडे का मतलब पता है, इसे पता नहीं पता। पता हैप्पी बर्थडे का मतलब है केक। अच्छा एंड गिफ्ट जिन गिफ्ट गिफ्ट कहता है लेना पता है मुझे, देने का नहीं पता। तो ओंकार भाई तुम्हारा केक है रेडी, तो जल्दी से आओ केक कटिंग करते हैं। कुछ बहुत ही स्पेशल केक आया तुम्हारे लिए, बहुत ही स्पेशल। ये सच में सरप्राइज होने वाला है। नॉर्मल केक है। नॉर्मल केक है। ओ भाई साहब ये पिरामिड शेप का केक का डब्बा, ये स्पेशल है पक्का। माचिस में लेके आता हूँ ढूंढ के। ये पक्का स्पेशल है, ये ऐसा डब्बा होता ही केक का? ऐसा इतना ऊंचा केक कौन सा होता है? लंबा है तो स्पेशल है बस। अब देखना है कैसा है। हाँ बताओ क्या चलाना है। अभी खोल के तो दे। बर्थडे विश पे, बर्थडे विश आ रही थी। ओह मेरी गांडों की बात। ओए होए 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 अमेरिका तो विशेष आ गया है ना। अरे तुम केक रेडी करो ना, दिखा तो दे केक कैसा है। केक थोड़ा सा तहस नहस हो चुका है, इन्होंने ना कस्टमाइज्ड केक बनवाया, उसमें ना काफी चीजें लगवाई हैं, उसमें से एक दो चीजें गिर गई हैं इधर उधर केक लाते हुए। जल्दी से सेट करो जल्दी से। अरे जल्दी बात करो यार, मुझे पता लग गया है। तीस साल के बुढ़े हो गए हो तुम। मुझे पता है वो बता के जितने मुझे ज्यादा छेड़ो मत, बट ये जूते मेरे पास नहीं है। अच्छा ट्रैवलिंग का शौक है ना, बैग। ये किसका दिमाग लगा है? ये मुक्ति का चैंपियन यूट्यूब, मतलब जो भी चीजें मुझे पसंद है वो सारी केक पे डाल दी है। कोशिश की और एक चीज जो हमने कोशिश की थी थार लगानी थी, वो मतलब उन्होंने बना दी। तेरी शक्ल भी नहीं है इस पे। ओह वो तुम्हारे साथ ही है ना, मिशन मुझे काटने में बड़ा मजा आना था। ये अच्छा था, ये अच्छा था। बोलो बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। अब वो मारते वन टू थ्री करके, ठीक है? वन टू थ्री। इसमें कोई ऐसा एरिया ढूंढूंगा जो काटा जाए, वो ये नीट एंड क्लीन एरिया लग रहा है। वाह ये केक बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, अभी बुर्ज खलीफा हो गया है। ओ नाइस नाइस, इतनी ज्यादा लेयर्स है इसके अंदर। खिलाओ एक दूसरे को, क्या भाग ही गए, ओंकार ने खुद ही खा लिया। मेरा पति खुद ही केक खा रहा है। चलो आ करो, तुम आ करो, मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा। लाओ भाई। थैंक यू। केक सच्ची में अच्छा, मतलब सिर्फ दिखने में तो अच्छा है, बड़ा दिखने में भी सुंदर है, खाने में भी सुंदर है। लाओ मुझे लग रहा है वो बाहर प्रैक्टिस कर रहा था केक काटना कैसे, बड़े दिनों से मेरा बर्थडे आने वाला है। देखो मेरा जिंदगी में बस कट ही रहा है, तो मुझे काटना आ चुका हुआ। ये डायलॉग ना बाद में बोलना था, बीवी तुम्हारी साथ भी खड़ी है। मैंने ये तो बोल रहा था कि बीवी काट रही है, और तुम तो जानता अपनी बहन को। देखो केक तो ओंकार का काट लिया हुआ हमने, अब बारी आ गई है ओंकार को गिफ्ट देने की। सबसे पहले गिफ्ट दूंगी मैं। अरे क्या गिफ्ट दिया, काट हो गए। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, इतनी पास गिफ्ट आ रहा था मुझे सच्ची में नहीं पता था। यार दिन सच्चा लगे, देखा मैं सरप्राइज इतने से गजब गजब के देती हूँ। देखो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है,
मतलब मुझे पता नहीं कि तुम्हें कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा कुछ खाने की चीज नहीं है ये, मुझे मैं बता रहा हूँ पॉपकॉर्न डाल के दे दिए इसने। दीदी आप लाई हो इसके लिए? नहीं नहीं ये मुक्ति लाई है। आप क्या लाई हो? मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने बच्चे लाई हूँ। दीदी लाइक पार्टी दो। मैं कितना खुश हूँ, पार्टी करने आई हूँ, पार्टी फ्री का खाने आई हूँ। खोल लो डब्बे में क्या लिखा है? अमूल चीज की, अमूल चीज स्लाइसेस। अरे नहीं वो फ्लेवर ऐसा होता है ना अंदर कुछ तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। बता रहा हूँ मुझे खाने की कैसा चखना जूस के साथ पीने को। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो ये देखियो मुक्ति खा रही होगी इसको। ये भी मुक्ति खा रही होगी यार। ये स्पेशल में हार्ट वाली चॉकलेट लिखा है, उनकी चॉकलेट, ये हार्ट वाली ये भी तू ही खा रही होगी मुझे पता है। बहुत अच्छा नहीं लगा बेटा? स्पीचलेस हो गए, स्पीचलेस। कुछ बोल दीदी आप कुछ बोलना चाहोगे? इतने प्यार से दीदी पसंद की तू एफर्ट नहीं देख रहा। हाँ वही तो, मैंने कब कुरकुरे खाए बता मुझे, मैंने कब ये बता मुझे। दीदी ये तो तुम्हारी फेवरेट है डोरिटोस। मैंने तो कार्गो में भी डोरिटोस खाते नहीं देखा। डोरिटोस याद है जब हम ट्रिप पे गए थे तो हम दोनों ने सिर्फ डोरिटोस ही खाए थे, वो दिन भूल गए? अरे ये ना तुम्हें भी अच्छी लगी। थैंक यू। अब मैं समझ गया जब ओंकार बोल रहा था कि मेरा कट रहा है, उसका मतलब मैं समझ गया। ये तो मैंने जिंदगी में खाए भी नहीं। ये भी ट्राई करेंगे तभी तो लाइए, कुछ नया ट्राई करना अच्छा लगता है तुम्हें। अद्भुत अविश्वसनीय। बहुत बढ़िया गिफ्ट है मुक्ति, बहुत बढ़िया। ये नहीं मेरा और ऐश्वर्या का गिफ्ट का है। मैं आपको दिखा होगा यहाँ रखा है। जूतों वाले रैक में गिफ्ट रखा है। एक और है, एक और ये लो ये हमारी तरफ से। तुम तो रिसर्च करने लग गए। अरे आराम से ये देखो हमारा गिफ्ट बहुत ही प्रीमियम। मैं समझ गया ग्लास है। कौन सी ग्लास? कांच के। ऐसे कैसे कांच के? कांच की ग्लास। अरे छोटे मोटे गिफ्ट नहीं देते हैं। बोहिमिया क्रिस्टल। भाई साहब बोहिमिया ने स्पेशल मुझे गिफ्ट भेजा है। क्रिस्टल है, क्रिस्टल। ओ भाई साहब भारी ग्लास। देखो जैसे कि हमें सूत्रों से पता लगा था कि ओंकार को ग्लास का बहुत शौक है, तो हम ओंकार के लिए कुछ स्पेशल ग्लास की कलेक्शन लाए हैं। ये मुझे एक चीज बता, ये ग्लास पानी पीने के लिए या कोई जूस वगैरह पीने के लिए, या फिर चलो समझ जाओ कौन सा चीज पीने के लिए है? वो है या नमकीन डाल के? ये तुम्हारी मर्जी है। एक चीज और लाए हम तुम्हारे लिए, ग्लास है ना, सुंदर है ना, इसमें नमकीन डालेंगे। अरे नमकीन नहीं डालनी है यार, नमकीन ही डालने लग गया यार इसमें। देखो कितने सुंदर क्रिस्टल के ग्लास हैं। सच्ची अच्छे बड़ा बहुत अच्छा, सच्ची बहुत अच्छा है ना। दीदी देखो ये देखो, ये क्रिस्टल के है। ये ग्लास पता क्या है, इसमें अगर आप जूस पियोगे, जूस के अंदर जितनी भी कैलोरी होगी वो सारी बर्न हो जाएगी, क्योंकि जब उठा के पियोगे भारी बहुत है। देखो ये जो प्रेशियस चीजें होती है इन पर टेप ज्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि महंगी चीजें संभाल के रखनी पड़ती है। मुक्ति की तरह नहीं कि चिप्स के पैकेट देते हैं, ऐसा नहीं है। सादर बकवास है मार। वो जो उसने केक दिया है ना वो प्राइसलेस है। हाँ, केक तो अच्छा लगा। प्राइस केक अच्छा लगा तुम्हें? केक सच्ची बात है, पर वो बर्थडे के लिए अच्छा लगा। ये तो तुम खोजो। ओ भाई साहब हम पानी इसमें पिया करेंगे आपसे। अरे पानी के लिए नहीं है वो, ये कलेक्शन आपकी। ये लो क्या, ये है डी कैंटर, ये है ट्रॉफी,
ये भी क्रिस्टल की है, ये उसके साथ का, ये ग्लासेस के बहुत अच्छा, ये पूरा पैर है, मतलब ग्लासेस पूरा सेट है। मुक्ति अपने भाई से सीखो। व्हाटएवर, जो मेरा गिफ्ट था वो बेस्ट गिफ्ट था, क्योंकि उसको मुक्ति ही खाएगी। दीदी ऐश्वर्या चलो आ जाओ, हम दोनों क्यों लग रहा है चिप्स खाने वाले हैं। ये चकने का इंतजाम किया, इसमें कुछ अलग चीज डाल दो, वो चकना आया हुआ है, मीठे के लिए चॉकलेट। नहीं नहीं, पार्टी का इंतजाम किया हुआ है, पार्टी का इंतजाम किया हुआ है। तो गाइस अभी ओंकार के बर्थडे का व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी स्पेशल सरप्राइजेस ओंकार के बर्थडे के लिए हमने प्रिपेयर किए हुए हैं। तो अगला व्लॉग आएगा रात को 8 बजे, बिल्कुल मत देखना भूलना, और ये वाला व्लॉग लाइक कर देना चाहते हैं।